नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट जगत से एक शानदार खबर आ रही है कि रोहित शर्मा जो है अब मुंबई इंडियंस की कप्तानी नहीं करेंगे और उनकी जगह अब हार्दिक पांड्या लेने जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो हमारे अन्य प्लेयर है उसमें सूर्य कुमार यादव जो है पूरी तरह से चोटिल हैं, जिसमें आने वाले दिनों की जो IPL 2024 होने वाला है उसमें हम रोहित शर्मा को तो एक तरह से कप्तानी होते हुए देख रहे हैं। साथ साथ जो है हमारे जो प्लेयर जिसमें कि सूर्य कुमार यादव अपना प्रदर्शन करने जा रहे थे, मगर वो चोटिल होने के बाद जो है अब जो है वो IPL 2024 में नहीं खेलेंगे। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ा फेरबदल है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है कि जब किसी जूनियर प्लेयर को, जिसे हार्दिक पांड्या कह रहे हैं, हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों इस तरह के फेरबदल जब होते हैं तो अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट करने की चाह जो अन्य टीमों में भी आती है। इसी प्रकार से हमने भी हमारी जो टीम इंडिया है उसमें लगातार एक्सपेरिमेंट्स को देखा है और इस बार रोहित शर्मा जो कि ओपनर बैट्समैन होते हैं हमेशा टीम इंडिया में, शायद इस बारी उन्हें हार्दिक पांड्या की कप्तानी के अंदर खेलना पड़ेगा। तो ये अपने आप में चौंकाने वाला फैसला था, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, मगर आपको पसंद आया तो कमेंट में जरूर लिखे और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये अपने आप में बहुत ही अच्छी खबर है, साथ साथ जो है रोहित के लिए तो दुख खबरी है, उनके फैंस के लिए भी दुख भरी खबर है, मगर अब ये पूरी तरह से एक टेस्टिंग का प्लेटफॉर्म होगा जहां पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी को टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि टीम इंडिया को हमेशा जो बैकअप में कुछ ना कुछ कुछ ऐसे कप्तान रखने होते हैं जिससे कि हमें जो प्रूव करना होता है कि हमारे जो कप्तान हैं लगातार जो हैं परफॉर्म करते रहें, और कुछ नए कप्तानों को हमें बैकअप पे रखना पड़ता है। जिस प्रकार से हमने रोहित कोहली, जो विराट कोहली थे, विराट कोहली के हमने प्रदर्शन देखा, बहुत ही बेकार प्रदर्शन था अपनी कप्तानी के दौरान पे, वो डिप्रेस भी हो गए थे और उन्होंने जिस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी को रिप्लेस किया था, तो उसके बाद जो है सोच रहे थे कि विराट कोहली बहुत ही एक डायनेमिक प्लेयर हैं, हो सकता है कि क्या पता बड़ी बड़ी बुलंदियों तक पहुंचा दें, मगर हुआ कुछ ऐसा कि वो उनका ही करियर जो है बड़ा एक तरह से डीप डाउन में चला गया। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी को आज भी हम लोग सलाम करते हैं, उस तरह की कप्तानी को देखने के लिए आज भी लोग तड़पते हैं। CSK में पिछली बार किस तरह से जीत दिलाई थी वो अपने आप में मेज़बानी थी, साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा, नए प्लेयर को मौका देना पड़ेगा और उनको टेस्ट भी करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कप्तानी देकर यही किया है।